बच्चे, एक तो तूने बिना अनुमति मेरे यान में घुसने की गलती की और अब ये लुका छिपी का खेल। अब देख, मैं तेरा क्या हश्र करता हूं। स्वीटी, हाँ है ना, तुम दोनों बहनें किसी भी जगह गलत समय पर कैसे पहुंच जाती हो? मैं भैया को सब बता दूंगी कि आप हमारे पापा नहीं है, एक एलियन है। एलियन? हाँ, असर हूं मैं और धरती पर एक अहम अभियान के लिए हूँ। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। समझ आ रहा है ना बेटा? भैया का ब्रेसलेट क्या किया इस एलियन ने भैया के साथ? अब ना तो तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा भाई। इतना प्यार भैया, इतना प्यार मरते मरते भी अपने भाई को बुला रही है। भैया, पर अफसोस तो ये है कि वो तुझे बचाने आ नहीं पाया। मेरा फोन और वॉलेट दे दो। तेरा है? हाँ, देता हूँ अभी तुझे। अबे ये तो एलियन हो गया। लड़ चल 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 चल। क्या है? हाँ? मैंने मारा। मैं तो मर भी सकता था पर मरा नहीं। ये तो सही पावर है, इलेक्ट्रिक पावर। मार दूंगा किसी को भी। हीरो? बेटा हीरो, इस रॉकी का असली टारगेट तू ही है। इस बार मारूंगा नहीं, तेरे नाम को मिटा दूंगा। ना एलियन बनने की जरूरत है, ना एलियन गैजेट की। अब रिंग चाहिए।
अब जरा देखो पापा के कमरे में अनवांटेड गेस्ट था कौन। हजार वोल्ट की बिजली दौड़ रही है अंदर। सोर्स ऑफ पावर ड्यूड इलेक्ट्रिक पावर है तेरा में। यू आर अनस्टॉपेबल नाउ रॉकी। खिलौनों की जरूरत नहीं है मुझे। ये पापा ऊपर क्या कर रहे हैं? हाँ पापा। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। इस वीर नंदा को उसी जगह चोट कैसे लगी जहां कल उस हीरो को लगी थी? अच्छा दिखाओ। पापा परेशान मत होइए, मैं ठीक हूं। तुम कहते हो तो मान लेता हूं। अपना ध्यान रखो बेटा। क्यों झूठ बोल रहे हो वीर? मतलब चोट तो तुम्हें लगी है। पापा वो ये तो बस एक मामूली सी चोट। यहां लगी चोट? हाँ पापा, एक स्टंट के दौरान एक। वीर छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, सच सच बताओ। बाप हूं मैं तुम्हारा। पापा ये बात मैंने अभी तक स्वीटी मीटी को भी नहीं बताई है। वो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? हाँ सेट पे, रोड पे, वो सेट के बाहर, वो रोड पे, बस वहीं पे एक छोटा सा एक्सीडेंट। सेट पे, सेट के बाहर जो रोड है। हाँ वो भैया वो आपसे ना बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात करनी है, दो मिनट आवा सकते हो प्लीज? हाँ बता ना। मैं आता हूँ पापा। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है? इस वीर नंदा का झूठ पकड़ने का कोई उपाय तो सोचना होगा। तेरे पास भी वही पावर्स हैं जो जो इन एलियंस के पास है या फिर उस हीरो के पास? Yes, mom. वो दो कोड़ी का हीरो, उसकी वजह से हमारी फिल्म का इवेंट खराब हो गया था। दुनिया के लिए वो हीरो होगा, लेकिन माय गॉड जीस, मेरे लिए तो हमेशा से तू ही हीरो है। मेरे लिए भी कुछ भी कर सकता है तू।
After all, है तो मेरा ही बेटा ना। आप बताओ आपको क्या चाहिए? चेवनी की डायमंड रिंग। डिसाइड कर लो, टाइम लेके रिसर्च करके बता देना। चेवनी की रिंग चाहिए या फिर वो रॉयल नेकलेस चाहिए? हाय, पैसा कैसे बहाना है ये हम दोनों से बढ़कर और कोई नहीं जान सकता। और ये सब चीजें फ्री में मिल जाए तो सोने पे सुहागा। हाय, तू मेरा ही खून है 200%। क्या हुआ? करंट तो नहीं लगेगा ना मम्मा? चेक कर लो। नहीं नहीं सोशल डिस्टेंसिंग। तो वैसे भी थक गया होगा, पूरा दिन मेहनत करके आया है। गो टेक अ शॉट। मैं आ गया तो। अरे रुक, क्या शॉर्ट सर्किट हो गया तो जला दूंगा। तेरे डैड यहाँ पर होते ना तो बहुत खुश हो जाते। पता है सेट पर जनरेटर से नहीं तुझी से पावर लेते हो ताकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आए। मॉम देखो ना डैड ना कोई और, इसे को पता नहीं चलना चाहिए बात। I hope you understand. Top secret. ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। भैया जस्ट अभी भी स्वीटी का मैसेज आया कि वो हमारे फ्रेंड दिनेश के साथ है। लिखो तुम अपने किसी दोस्त के घर आई हो, तुम्हारे गायब होने पर किसी को शक ना हो, थोड़ी देर के लिए ही सही। एक बाजी ऐसी है जिसे मैं पलट सकता हूँ तुम्हारा इस्तेमाल करके, इसलिए अभी तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। चल अच्छा, स्वीटी के बारे में पता चल गया और पापा भी घर वापस आ गए। बट भैया प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि मैं अब भैया को कैसे बताऊं कि असली में तो कोई दिनेश है ही नहीं। मुझे तो कोई ठीक नहीं लग रहा। ये तो हमारा कोड वर्ड था रात को घर से स्नीक आउट करने का। पता नहीं स्वीटी कहाँ होगी। एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता था बेटा, इतने सालों के बाद हम साथ में हैं, तुम्हें संभल कर रहना होगा। अब मैं अपनों को खोना नहीं चाहता। प्रॉमिस यू पापा, आज से मैं अपना और ज्यादा ख्याल रखूंगा। पापा आप किस काम से गए थे और रॉकी के साथ कहां गए थे आप? रॉकी मुझसे योगा और मेडिटेशन के बारे में पूछ रहा था तो उसे वही पता नहीं लग गया था। अरे बेटा याद आया, मेरी पेन ड्राइव यहीं कहीं गिरी है, तुम उसे ढूंढ दोगे? हाँ पापा, अभी ढूंढता से निश्चित नहीं हुआ हूं मैं। ये ब्रेसलेट यहां कैसे आई? ये तो वहीं कहीं गिरी थी जहां दंश से मेरी टक्कर हुई थी, फिर यहां घर में कैसे? अगर ये इसका है तो इसमें कोई शक नहीं कि ये वीर नंदा ही हीरो है। अगर ऐसा है तो दंश इसके पूरे परिवार को खत्म करके इससे मायावी अंगूठी छीन लेगा।
ये वीर नंदा ही हीरो है। रॉकी शूट चल रहा है मूवी का, रोमांटिक सॉन्ग बजाओ बैकग्राउंड में। ये 2 रुपए की हरकतें छोड़ दिया कर, ये जो दिख गया तेरा है। तो चांटे पे चांटे मारूंगा, चलो बाबा। क्या बाबा ब्लैक शीप मेरा है? चले जाओ, कूदो कूदो रूम में वानर। प्यार से मांगता मना थोड़ी ना कर देता। तो वो कलारी बंद रॉकी का है, यानी वीर नंदा नहीं रॉकी है हीरो। मैं तो दे ही देता। वीर मुझे कुछ काम याद आ गया बेटा, आता हूँ। आप पापा पर वो पेन ड्राइव। चू चू तेरा नाम, तेरा नाम से बेटा। भैया कहाँ है? क्या हुआ? मुझे भैया से कुछ बहुत अर्जेंट बात करनी है स्वीटी के बारे में। आती हूँ। स्वीटी क्या हुआ? स्वीटी पापा पता नहीं स्वीटी कहाँ चली गई, मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है उसकी। मुझे तो लग रहा है वो किसी डेंजर में पक्का। तुम्हें कैसे पता? कि देखे पापा, हाँ ये बताया था तुमने वीर को कि वो अपने दोस्त के घर गई है दिनेश के। पापा यही तो सारी बात है, दिनेश नाम का तो कोई दोस्त ही नहीं हमारा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा स्वीटी ने मैसेज क्यों किया हमें। ये तो हम दोनों का कोड वर्ड था बाहर स्नीक आउट करने का रात को। मुझे बहुत टेंशन हो रही पापा। कोड वर्ड? हाँ पापा, मेरे को ना भैया को अर्जेंटली बताना पड़ेगा, मैं भी आती हूँ। क्या हुआ पापा? What? ये कैसे हो गया? उप, अरे ये आवाज। क्या हुआ मीठी? मेरे से गिर गया भैया। तुझे चोट तो नहीं आई ना? मेरे भी बात हुई स्वीटी से फोन पे। अच्छा क्या कहा उसने? दिनेश के घर कोई फंक्शन है, उसकी हेल्प कर रही है किचन में। दिनेश के घर पे कोई फंक्शन है तो वो उसकी मम्मा की हेल्प करा रही है किचन में। पक्का मैडम को केक बनाना मिल गया होगा। भैया वो 2 दिन बाद आएगी। 2 दिन बाद? क्यों? देखो दोस्तों से मिलने जाओ मैंने कभी मना नहीं किया है, पर ऐसे नाइट स्टे करना मैंने अलाउ भी नहीं किया है। और इस बार तो उसने मुझसे पूछा भी नहीं। अभी के अभी उसे घर वापस बुलाओ। बहुत ढील दे दी है मैंने उसे। वीर, ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? पापा पर ऐसे कैसे किसी के घर में जाके रह सकते हैं? दिस इज नॉट कूल। तो तुम नहीं जाते अपने दोस्तों के पास, चाहे दिन हो या रात? अगर स्वीटी मीठी चाहे तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ पापा, मैंने इन्हें कभी नहीं रोका है और दिनेश को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। अभी कभी स्वीटी को फोन लगाओ से। मेरी बात हुई है उससे, उसने तुमसे नहीं मुझसे पूछा है और मैंने उसे अलाउ कर दिया। पर पापा। हाँ पापा, पापा हूँ मैं तुम सबका, घर का सबसे बड़ा हूँ, तो इन्हें परमिशन देने का हक है मुझे, राइट? ठीक है पापा, अगर आपको ठीक लगता है तो। कभी कभी मुझे पापा का बिहेवियर समझ में ही नहीं आता है। सर ये कोरियर। ये रिपोर्ट कब से आई है? कुछ दिन हो गए सर।
पापा तो फिजिकली बिल्कुल ठीक है, तो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल ही होगी। ये कैसी रीडिंग्स है? इतना हाई ब्लड प्रेशर, इतनी फास्ट पल्स रेट्स, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो लिखा ही है। Inhuman heartbeat? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.